ना हिंदू भाई खतरे में है, ना मुसलमान भाई खतरे में है। आने वाले भाजपा समय 2022 में आने वाले समय में योगी और मोदी खतरे में है, ना हिंदू भाई खतरे में है, ना मुसलमान भाई खतरे में है। हम हिंदू नहीं है, हमको हिंदू नहीं माना जाता है। आप हिंदू नहीं है? हमको हिंदू माना ही नहीं जाता है। अगर हम हिंदू हैं तो हमारी जो है रोटी बेटी का जो है जो बंद पड़ा है, जो दीवार है, वो हमारी तो दीवार बनी। बीजेपी पार्टी एक राक्षसों की पार्टी है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रैंक न्यूज। आज हम लखनऊ में पहुंचे हैं, जहां पे मायावती जी कांसीराम के पुण्यतिथि पर संबोधित करेंगे। आज यहां पे काफ़ी युवा दिखे और ये युवा जो है अपनी बातें व्यक्त करना चाहते हैं, अपनी दर्द और रखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, आज हम सुनेंगे द फ्रैंक न्यूज पर क्या कहना चाहते हैं। पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सोशल मीडिया ही तो हमारा ऐसा एक मीडिया हमारे देश में बचा है जो हमारे देश को बचाए हैं, वरना ये 8 सालों में हमारा देश बहुत कुछ बिक गया है और जो कुछ बचा था वो आप लोगों के दम से बचा है। हमारी सोशल मीडिया ही हमारी बहुजन मीडिया है और ये जो गोदी मीडिया है ये तो देश बेचवाने का काम कर रही है। उसके बाद में बहुजन समाज, हमारा जितना दलित समाज है उसको जो है गाड़ने का काम कर रही है। और योगी हमारे देश का प्रधानमंत्री जो ये बता रहा था कि हम भिखारी हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री जो भिखारी है वो 8,080 करोड़ रुपए के प्लेन से चल रहा है, ऐसा हमारे देश का भिखारी है। और ऐसे ही देश के भिखारी हमारे देश को लूट रहे हैं। 9,000 रुपये किसान अगर लेता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। और 12,000 करोड़ रुपये लेके विजय माल्या भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, और आज वो सरकार बता रही है कि हमारे देश की GDP जो है 23.9% घाटे में चली गई है। देश रोड हमारा बिक गया, ट्रेन हमारी बिक गई, हमारे विश्वविद्यालय बिक गए, तो ये पैसा कहाँ गया? किन लोगों ने पैसा ये रख लिया है जो हमारा देश घाटे में? हमारा देश घाटे में नहीं है, हमारे देश के कुछ चंद लोग हमारे देश का पैसा अपने पास जो है दबा के रखने का काम किया है। और बीजेपी पार्टी एक राक्षसों की पार्टी है। बीजेपी पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, वो राक्षसों की है, आप कह रहे हैं? जी। कैसे कह रहे हैं? वो अभी देखो ना क्या हुआ, वो हमारा किसान आंदोलन था वहाँ लखीमपुर में 8 आदमियों को रौंदते चला गया, एक गृह मंत्री का बेटा। अब हमारे यूपी की पुलिस कानूनी प्रक्रिया देख रही है। अभी विपक्षी नेता जब हमारे जाते हैं, अगर विपक्षी नेता कहीं बगैर लाइसेंस पकड़ लिए गए गाड़ी से, विपक्षी नेता यदि हेलमेट नहीं लगाए हैं तो ऐसा उससे सवाल करती है हमारे यूपी की जो पुलिस है, वो ऐसा सवाल करते हैं जैसे लगता है कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर कूद आया है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है लोकतंत्र की हत्या कर रही है? और ज़्यादा दम नहीं बची है, थोड़ा दम बची है। अगर 22 में हमारा बहुजन समाज जो जागृत नहीं हुआ और सरकार में बहन जी नहीं आई, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे लोकतंत्र तो ख़त्म ही हो, बहुत ही कमज़ोर हुआ है, और थोड़ा जो बचा है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। सर, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरीब अपनी लड़की की शादी करता है तो उसको कर्जा लेना पड़ता है, उसकी ज़मीन बिकती है, और उसके बाद में जो उसका बच्चा पढ़ता है तो हाई स्कूल इंटर के बाद उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे हमने देखा लॉकडाउन में कोई भी पब्लिक सिटी नहीं हुई, और जो है कॉलेजों में जो है सीटें पूरी जो है बिना ओपन किए वहाँ बुक हो गई। हमारे गरीब घरों के बच्चे आज भटक रहे हैं, उनका एडमिशन नहीं हो रहा, उनके पास इतना पैसा नहीं है। अब तो ऑनलाइन क्लास चला दी गई है तो वंचितों के बच्चे जो है पढ़ नहीं पाते जी हैं। तो ऑनलाइन क्लास चला दी गई है, उसका आंकड़ा भी तो आप बताइए कि हमारे जो है ग्रामीण भारत जो है हमारा, जिसे हम देहाती क्षेत्र बोलते हैं, उस क्षेत्र का कितने परसेंट बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं,
ये भी तो आंकड़ा है, और ये हमारा नहीं, ये सरकार का आंकड़ा है। मात्र 8% बच्चे जो हमारे गरीब और ग्रामीण भारत के बच्चे हैं, वो मात्र 8% पढ़ रहे हैं। वो कौन से लोग हैं जो ज़्यादा संख्या में पढ़ रहे हैं, इसका भी जो है खुलासा मीडिया ही कर सकती है, पर गोदी मीडिया नहीं। पर हमारे देश की जो सोशल मीडिया है, यही हमारी बहुजन मीडिया है। और ये समाज जिस दिन ये जान जाएगा कि हमारा असली मीडिया कौन है जो सत्य दिखाने का काम करता है, तो ये गोदी मीडिया मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। आदित्य योगीनाथ जी जो है हिंदुत्व की बात करते हैं, वो कहते हैं हनुमान दलित मतलब जो है वंचित समाज के जो एससी बिरादरी के थे, क्या लगता है जी? तो अगर हनुमान जी दलित हैं तो किसी मंदिर में कोई एससी पुजारी बनाया गया? ये हमारा सवाल है योगी जी से। कोई भी दलित या चमार हो या पासी हो, लोधी हो, नाई हो, कुम्हार हो, किसी भी 85 में कोई भी बता दे, योगी बता दे कि मैं अगर हिंदू हूँ तो फिर मेरे समाज का या हमारे बहुजन समाज के जो है ब्राह्मण क्यों नहीं बनाए जाते हैं? अगर हम हिंदू हैं तो हमारी जो है रोटी बेटी का जो है जो बंद पड़ा है, जो दीवार है, वो हमारी तो दीवार बनी है। पर हमारा मिशन है बाबा साहब का मिशन है, बाबा साहब का सपना पूरा करना है। और बाबा साहब का सपना तभी पूरा होगा, हमारी बहन जी की सरकार जब सन 2022 में बनेगी, वो जल समाधि ले लेंगे तो ये जो बहुजन समाज है ये तो मिट जाएगा। जो उनकी बात पे जो है हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा तो हिंदू में कौन आता है बताइए? लेकिन 2 अक्टूबर भी चला गया, उनका जल समाधि नहीं दिखा। हम हिंदू नहीं हैं, हमको हिंदू नहीं माना जाता है। आप हिंदू नहीं हैं? हमको हिंदू माना ही नहीं जाता है। चुनाव के समय हिंदू करके हिंदू वो हिंदू मुस्लिम करके अपनी वोट का बैलेंस बनाते हैं, बाकी हमको कहीं पे हिंदू नहीं मानते। वो सिर्फ दंगा। बाबा साहब का सपना था कि जो है मंदिर में जाने के लिए कुत्ते लड़ते हैं और संसद में जाने के लिए इंसान लड़ते हैं। हमको संसद जाना है, हमारे संसद में जाइए। हमारी समाज के लोग जो हैं अभी जो है बीजेपी में कई विधायक लोधी समाज के हैं और एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है। विधायक तो उसको जनता ने बनाया है, लेकिन ये तो पार्टी का काम था उसको मंत्री बड़ा पद देना, लेकिन वो बीजेपी नहीं कर रही है क्योंकि छोटी समाज को बीजेपी खत्म करना चाह रही है। सर क्या परिचय है आपका, नाम क्या है? हमारा सतीश लोधी नाम है, मैं जिला सीतापुर को रहने वाला हूँ और मैं बहुजन समाज पार्टी को बहुत दिल से चाह रहा हूँ, बाबा जी के मिशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। और काफी हमारे लोधी समाज के लोग हजारों की संख्या में योगी आदित्यनाथ जी को क्यों नहीं चाहते हैं? वो तो मंदिर बनवा रहे हैं, राशन दे रहे हैं। वो मंदिर बनवा रहा है इसीलिए वो मंदिर जो बनवा रहा है तो वो मंदिर में खुद क्यों नहीं पूजा की? वो मंदिर और मस्जिद की लड़ाई फंसते है। ना हिंदू भाई खतरे में है, ना मुसलमान भाई खतरे में है। आने वाले भाजपा समय 2022 में आने वाले समय में योगी और मोदी खतरे में है, ना हिंदू भाई खतरे में है, ना मुसलमान भाई खतरे में है। मुझे एक बात कहिए, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू हो, जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, और ज़्यादातर प्रांतों में जिस देश में जो हिंदू हैं वो जो बीजेपी की सरकार आप लोग युवा हैं, आप लोग युवा हैं, आप लोगों से एक आखिरी सवाल है, युवा ऐसा क्या करे जो बहुजन समाज की पार्टी की सरकार बन जाए? युवा ही आगे बढ़ाएगा बहुजन समाज पार्टी को, अब युवा ही आगे बढ़ेगा। इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ हमारा सारा युवा है और हमारा सारा लोधी समाज है। हमारी लोधी समाज से अपील है, मेरी लोधी समाज से अपील है कि 70 सालों में हमारा लोधी समाज वहाँ बीजेपी को पकड़े बैठे रहा, आज ना तो उसका कोई टीचर है, ना उसका जो है कोई यशो है, ना कोई डीएम है, ना कोई जज है। आज हमारे देश में 18 हमारे व्यक्तिगत जनगणना हो, हमको हर जगह हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। और हमारी एक और मांग है जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जातिगत जनगणना जब हमारी होगी। आप लोगों ने सुना है यहाँ पे लोधी समाज के लोग जो है
बहुजन समाज पार्टी में समर्पित हो चुके हैं। 2022 में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तय कर लिए हैं। और इसी के साथ द फ्रैंक न्यूज चैनल को आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।